हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी भी नंबर के रिवर्स नंबर को प्रिंट करेंगे। इट मींस हम कोई नंबर इनपुट करेंगे और हमको उसका रिवर्स नंबर प्रिंट होकर के मिलेगा। प्रोग्राम को मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम को सिस्टम पर लिख करके रन करूंगा। प्रोग्राम को डिस्कशन करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम में भी लंबा हो जाए, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि जब आप इस लेक्चर को पूरा देख चुके होंगे तब आपको किसी भी नंबर को रिवर्स करने के प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप पूरी अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को समझ जाएंगे और मैं प्रोग्राम को बोर्ड पर लिख करके आपको समझाऊं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, सो दैट कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपका आपको उसका जो नोटिफिकेशन हो तुरंत मिले और आप अपनी जानकारी को और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। और इन केस आपने अगर मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप चाहे एक बीटेक स्टूडेंट हों या आप कोई 9 to 12 के स्टूडेंट हों, अगर आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग है, आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं, अगर आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग है या आपका कोई प्लेसमेंट होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी सी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सी लैंग्वेज से, या फर्दर जो भी हमारी HTML है, ये सब सारी जो लैंग्वेजेज हैं इनसे रिलेटेड वीडियोज मैं श्योर है अपने चैनल पर डालता रहूँगा और आपकी जानकारी को आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने में मेरी वीडियो श्योर है आपकी सहायता करेंगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग अब प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम के लॉजिक को समझेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने stdio.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। सी लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम में stdio.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। इसके पीछे का कारण भी मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है, आप देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा। यहाँ पर मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसी के अंदर हम अपना पूरा लॉजिक लिखेंगे अपने प्रोग्राम का। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। एक वेरिएबल का नाम मैंने नम लिया हुआ है, एक का डिजिट और एक का रिवर्स। नम वेरिएबल में हम उस नंबर को स्टोर करने वाले हैं जिसका रिवर्स नंबर हम फाइंड करेंगे। तो मैं प्रोग्राम के लॉजिक को लिखता हूं, इनकेस अगर मुझे किसी और भी वेरिएबल की जरूरत होगी तो हम लोग जो है उस वेरिएबल को यहां डिक्लेयर कर लिया जाएगा। आप ध्यान दीजिए आगे, तो यहां पर मैं एक मैसेज प्रिंट करा लेता हूं। प्रिंट, ये मैसेज ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्रिंट कराएं, आपकी इच्छा। प्रिंट अब इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, ठीक। इस लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग उस नंबर को इनपुट करने वाले हैं जिस नंबर का रिवर्स नंबर हमको फाइंड करना है। तो मैं नंबर जब इनपुट करूंगा तो उस नंबर को मैं नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूं, इसलिए मैं लिखूंगा %d, क्योंकि अब ये %d इसलिए क्योंकि नम का टाइप क्या है, इंटीजर। आगे कॉमा लगा करके मैं %m सिंबल के साथ नम लिखूंगा। नम हमारा वो वेरिएबल है जिसमें हम नंबर स्टोर करने वाले। अब इसके आगे जो मैं लॉजिक लिखने वाला हूं वही लॉजिक जिम्मेदार होगा कि हम कैसे रिवर्स नंबर फाइंड करेंगे। आगे मैं जो लॉजिक लिख रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां एक मैं व्हाइल लूप का यूज कर रहा हूं, व्हाइल लूप के अंदर मैं लिख रहा हूं नम नॉट इक्वल टू 0, व्हाइल नम नॉट इक्वल टू 0। तो अब जो इसके नीचे का प्रोसेस है वो तब तक होता रहेगा जब तक कि नम की वैल्यू 0 ना हो जाती। आगे हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग लिखने वाले हैं कि हम सबसे पहले डिजिट निकालेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं डिजिट इज इक्वल टू, यहां जो डिजिट है ये आपका रिमाइंडर है, मैं पहले बता दे रहा हूं। यहां पर मैं डिजिट से रिमाइंडर को प्रदर्शित कर रहा हूं। तो आप देखेंगे डिजिट इज इक्वल टू नम, और हमको पता है कि जो भी हमारा डिजिट या रिमाइंडर निकलता है जो वो रिमाइंडर हमको मॉडुलस ऑपरेटर के द्वारा निकलता है, इसलिए मैं लिखूंगा नम मॉडुलस हम लिखेंगे यहां पर 10। इस लाइन से मुझे लास्ट की एक एक डिजिट मिलती रहेंगी। अब आगे मैं रिवर्स लिखूंगा, रिवर्स को हम लोग क्या कैसे निकालेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। आगे रिवर्स इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट। ये लॉजिक आपको मैं समझाऊंगा अभी कि ये लाइन में क्यों लिख रहा हूं। और आगे हम लोग जो नंबर लेंगे उस नंबर को अपडेट करते रहेंगे।
num इज इक्वल टू num डिवाइडेड बाई, यहां डिवाइडेड है और यहां मॉडुलस है, इससे हमको रिमाइंडर मिलता है और इससे हमको कोशेंट मिलता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से हम लोग नम की वैल्यू को अपडेट किया करेंगे। आगे इस लाइन को अब क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में रिवर्स को प्रिंट करेंगे। तो रिवर्स को प्रिंट करने के लिए आप यहां प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रिंट एफ, उसके बाद आप इसमें लिखेंगे रिवर्स, रिवर्स आप यहां जो मैं लिख रहा हूं वो भी लिख सकते हैं आपकी इच्छा, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी, उसके बाद डबल कोट्स को आप क्लोज करेंगे, आगे लिखेंगे रिवर्स। रिवर्स वेरिएबल, तो अब ये प्रोग्राम हम यहाँ पर मेन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। एक बार मैं प्रोग्राम को देख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि यहाँ नम हो गया, रिवर्स नाम का वेरिएबल लिया हमने, मैसेज प्रिंट करा लिया, नंबर को इनपुट ले लिया, आगे लॉजिक लगाया है डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इन टू 10 प्लस डिजिट, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। तो अब प्रोग्राम के लॉजिक को हम लोग समझेंगे, मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा कि कैसे ये प्रोग्राम हमको किसी भी नंबर का रिवर्स नंबर प्रिंट करके देगा। तो बहुत ही इजी लॉजिक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग देखेंगे यहां पर मैं एक नम नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, नम, एक मैं ले रहा हूं रिवर्स नाम डिजिट नाम का वेरिएबल या रिवर्स नाम का वेरिएबल, इसको मैं डिजिट ले रहा हूं पहले। आप देखेंगे यहां पर मैं डिजिट नाम का वेरिएबल ले रहा हूं। इस प्रोग्राम को समझने में बस थोड़ा सा समय और लगेगा, आप लोग देखेंगे लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ रिवर्स नाम का वेरिएबल है, आप देखेंगे कि रिवर्स में मैंने स्टार्टिंग में जीरो असाइन करके रखा हुआ है, इट मींस जो रिवर्स नाम का वेरिएबल है उसमें सबसे शुरुआत में क्या है, जीरो। अब आगे एक मैसेज प्रिंट होगा जब आप प्रोग्राम इंटर रन कराएंगे, तो उसके बाद ये सबसे पहले यही मैसेज प्रिंट होगा, इंटर एनी नंबर। तो जैसे ही आप कोई नंबर इनपुट करेंगे वो नंबर कहाँ जाएगा, नम नाम के वेरिएबल में। किसमें जाएगा, नम नाम के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। मान लीजिए मैंने 153 इनपुट दिया है, क्या दिया है 153। आगे अब यहां से लॉजिक देखिएगा, वाइल नम नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप खुद देखिए अभी नम की वैल्यू क्या है, 153 है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इट मींस जो वाइल लूप के अंदर की कंडीशन है वो ट्रू है। अब हम लोग अंदर आएंगे, अंदर क्या कह रहा है कि डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10 करिए, तो हम लोग निकालेंगे डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10, नम कितना है अपना 153 है, आप देख सकते हैं यहां पे। इसका जब आप मॉडुलस लोगे 10 से, तो आप जानते हैं कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये शेषफल देता है या रिमाइंडर देता है। तो आप कब, जब हम 10 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो मिलेगा हमको। आप देखेंगे कि मैं 153 है, इसको जब 10 से डिवाइड करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर 5 आज यहां पर आ जाएगा उसके बाद, और आप फिर से 3 को नीचे करेंगे, फिर आप यहां 5 टाइम ले जाएंगे और यहां 50 लिखेंगे और 3। ये जो 3 है आप देखेंगे 10 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिला, 3। तो ये जो डिजिट है वो डिजिट की वैल्यू आएगी 3, क्या आएगी 3, क्योंकि ये जो आप जब मॉडुलस लेंगे तो आपको शेषफल के रूप में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो एक्चुअली डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, डिजिट की वैल्यू हो गई 3 सबसे स्टार्टिंग में। बस अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे हम लोग, यहां देखिएगा नेक्स्ट लाइन को, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट लिखा हुआ है, इस काम को हम लोग करेंगे आगे। तो रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10, क्या करना है, इनटू 10 प्लस डिजिट करना है मेरे को, तो ये मैं करूंगा। देखिए सबसे पहले रिवर्स की वैल्यू, स्टार्टिंग में रिवर्स की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां आप लिखोगे 0, उसके बाद 0 इंटू क्या करोगे, 10 करोगे आप, फिर प्लस डिजिट करोगे, तो डिजिट कितना अपना, डिजिट अभी है 3, तो जो रिवर्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी 3। सबसे स्टार्टिंग में अब 0 थी, अब जो रिवर्स की वैल्यू अपडेट हुई है प्रोग्राम के रन होने से पहली बार, जब व्हाइल लूप पहली बार रन होगा तो रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी 3, यहां ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए मैं यहां 3 लिख रहा हूं। आगे फिर से आप ध्यान दीजिएगा
कह रहा है कि नम की वैल्यू को अपडेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10 कर लीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये शेषफल देता है, लेकिन ये जो डिवाइड ऑपरेटर है ये डिवाइड ऑपरेटर आपको भागफल देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको वापस करेगा तो आप लिखेंगे नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, नम डिवाइडेड बाई 10, इसके पहले मॉडुलस था जब हम इसको कर रहे थे, तो इससे क्या मिले, भागफल मिलेगा। तो आप देख लीजिए नम की वैल्यू कितनी है, 153 है, और 153 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो भागफल मिलेगा वो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, वो आपको भागफल मिलने वाला है 15, क्या मिलने वाला है 15। तो अब जो नई वाली नम की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, वो 15 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो नम डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो भागफल 15 आएगा, और वो 15 कहां चला जाएगा, नम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अब नई वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, आपकी नई वैल्यू हो जाएगी 15। तो नम की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी, नम की वैल्यू 153 से कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो कंट्रोल है वो फिर से जो है व्हाइल लूप पर जाएगा। अब चेकिंग होगी फिर से नम नॉट इक्वल टू जीरो है या नहीं, तो नम कितना है 15 है, और 15 नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये बात सही है, ये ट्रू हो गई कंडीशन। इसलिए ये जो आप व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर जो लाइनें हैं ये दोबारा से रन होंगी, दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी। तो हम लोग करते हैं इसको दोबारा से, अब दोबारा से रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले डिजिट की वैल्यू को अपडेट करेंगे, तो डिजिट क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, डिजिट इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10 है, नम मॉडुलस 10 है, यही काम करके देखिए, डिजिट कितना, नम कितना है 15, नम कितना है 15 है, 15 मॉडुलस 10 करेंगे आपको 5 मिलेगा, 15 मॉडुलस 10 करेंगे आपको 5 मिलेगा। जब आप 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल के रूप में आपको क्या मिलेगा, 5। तो अब जो डिजिट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी 3 से कितनी हो जाएगी, 5। तो डिजिट में क्या चला आएगा, 5, ध्यान दीजिएगा इन चीजों का, बहुत कठिन नहीं है ये चीजें, आसान है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक समझने की जरूरत है। आगे हम लोग इस लाइन को रन कर चुके हैं, दोबारा से हम लोग रिवर्स को रन करेंगे। रिवर्स के अपडेट कैसे होगा, कह रहा है कि भैया रिवर्स इज इक्वल टू, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स, रिवर्स इन टू 10 प्लस डिजिट कर लीजिए, यही कर रहा करने को, देखिए ये लाइन, तो यही करके हम लोग देखेंगे। अपना रिवर्स कितना है मौजूदा समय में, 3 है, 3 इंटू आप क्या करोगे 10 करेंगे, प्लस क्या करेंगे उसमें डिजिट जोड़ देंगे, और डिजिट के अभी क्या वैल्यू है 5 है, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 30 प्लस 5 आएगा आपका 35। तो रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई 35, रिवर्स की वैल्यू 3 थी, अब रिवर्स की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो चुकी है 35 हो चुकी है। तो यहां पर मैं 35 लिख दे रहा हूं, ठीक। आगे हम लोग फिर से नम की वैल्यू को अपडेट करेंगे इस लाइन से, तो देखिएगा नम इज इक्वल टू, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 15 है, ये मॉडुलस नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर वो रिमाइंडर वापस करता है, और ये जो डिवाइड ऑपरेटर है ये कोशेंट या भागफल वापस करता है, इन दोनों लाइनों में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, इसके पहले के जो भी प्रोग्राम थे मैंने उसमें आपको कई बार समझाया है कि आप लोग जो है ये मॉडुलस ऑपरेटर और डिवाइड ऑपरेटर में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में पहले बता रखी हैं। अब नम की वैल्यू को अपडेट करना है, नम कितना हो गया 15 नम डिवाइडेड बाई 10 है यहाँ पे, तो अभी नम कितना है 15 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपको जो भागफल मिलेगा वो मिलेगा, जैसे कि आप इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको भागफल मिलेगा 1, देखिएगा कैसे मिलेगा, ये देखिए 15 आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर 5। तो अभी रिमाइंडर हमने देखिए डिजिट में स्टोर किया था, अब जो भागफल है वो कितना है 1, तो नम की वैल्यू क्या आ जाएगी अपडेट होकर के, नम की वैल्यू हो जाएगी 1। तो नम की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो गई है, नम 1 हो गई है, और नम की वैल्यू जब 1 हुई है तो हम नम में क्या रख लेंगे 1 रख लेंगे। अब आप देखेंगे नम में क्या है 1 है। अब फिर से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां से कंट्रोल ऊपर की तरफ जाएगा और ये कंडीशन दोबारा चेक होगी, दोबारा चेक होगी तो क्या है कि क्या नम नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देखिए नम 1 है और 1 नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये बात सही है, 1 जीरो के इक्वल नहीं है।
तो हम लोग फिर से लूप की बॉडी, जो व्हाइल लूप की बॉडी है, इनके दरमियान जो भी लाइनें लिखी गई हैं इसको दोबारा से हम लोग रन करने वाले हैं। तो हम फिर से डिजिट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। डिजिट इज इक्वल टू, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नम मॉडुलस 10 है, नम मॉडुलस 10 है। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब 1 है, यहां क्या है, नम भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है। अब देखिएगा, नम भी इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है, तो आप देखेंगे नम की वैल्यू अभी क्या है, 1 डिवाइडेड बाई, जब आप 10 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप जीरो टाइम डिवीजन पहाड़ा पढ़ेंगे या टेबल पढ़ेंगे, तो जैसे ही जीरो टाइम आप टेबल पढ़ेंगे तो यहां आ जाएगा जीरो, और आपको जब 1 में से आप जीरो घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। अब यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है, यहां देखिएगा नम मॉडुलस 10 है, और मॉडुलस क्या वापस करता है, आपको मैंने पहले बताया, ये रिमाइंडर वापस करता है। तो जो नम की वैल्यू 1 है और उसको 10 से मॉडुलस लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा हमको रिमाइंडर के तौर पर, 1 मिलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपको 1, जब आप लोग 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के तौर पर आपको क्या मिलने वाला है, 1। तो इसलिए अब डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्यों, 1 मॉडुलस 10 करोगे आप और आपको मिलेगा 1। तो जो डिजिट की वैल्यू है वो क्या हो गई, 1 हो गई। डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। अब हम यहां डिजिट की वैल्यू को अपडेट करके रखेंगे, डिजिट कितना हो जाएगा, 1। अब आगे की जो लाइन है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट, ये करके हम लोग फिर से देखेंगे, क्या है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट, यही काम हम करने वाले हैं। देखिए रिवर्स कितना है, अभी रिवर्स है 35 इनटू हम क्या करेंगे 10 प्लस हम लोग क्या करेंगे डिजिट, डिजिट कितना है 1 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, 35 इंटू 10 करेंगे आपका आएगा 350 और प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 351। तो रिवर्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, रिवर्स कितना हो जाएगा 351। अब आपका जो रिवर्स है वो कितना हो गया 351। और आप अगर थोड़ा सा ध्यान देना तो आपने जो नंबर इनपुट किया था वो क्या था 153, स्टार्टिंग में नम की जो वैल्यू थी वो क्या थी 153 थी, और नम 153 का रिवर्स क्या होता है 351। आप देखेंगे रिवर्स हो चुका है। अब आप नम की वैल्यू को अपडेट करेंगे, नम की वैल्यू को अपडेट करेंगे, नम की वैल्यू को जो आप अपडेट करेंगे तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10 है, नम डिवाइडेड बाई 10 है। तो आप जानते हैं कि ये डिवाइड ऑपरेटर है, ये भागफल देता है। तो अभी नम की वैल्यू क्या है 1, 1 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या मिला था, अभी मैंने इसके पहले यहां पर किया हुआ था, आप जो है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, जब मैंने 1 को 10 से डिवाइड किया था तो भागफल क्या था 0 था, क्या था 0। ये मॉडुलस ऑपरेटर नहीं है, ये भागफल ऑपरेटर है और डिवीजन ऑपरेटर है, और ये 0 वापस करता है, तो भागफल वापस करता है इसलिए यहां पर 0 आया। तो नम की वैल्यू अपडेट होकर के क्या आ जाएगी 0। तो यहां से नम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आप जब फिर से कंट्रोल व्हाइल लूप पर जाएगा तो आप देखिए नम नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, अभी नम कितना है 0 हो गया, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसा नहीं है, 0 तो इक्वल टू 0 होता है, इसलिए अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, और सीधे प्रोग्राम का कंट्रोल इन लाइनों को रन नहीं करेगा, सीधे नेक्स्ट लाइन जो प्रिंटएफ लिखी हुई है इसको रन करेगा। तो जब ये लाइन प्रिंटएफ वाली एग्जीक्यूट होगी तब आपका रिवर्स में जो नंबर है वो प्रिंट होगा, तो रिवर्स में इस समय क्या है 351। तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान दीजिएगा, आएगा जो भी यहां लिखा हुआ है रिवर्स नंबर, तो आपका आउटपुट छपेगा कुछ इस तरीके से, रिवर्स नंबर, उसके बाद आपने इक्वल लिखा है तो इक्वल भी छपेगा, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। आगे परसेंटेज डी जो लिखा हुआ है यहां पर रिवर्स की वैल्यू प्रिंट होगी, और रिवर्स में इस समय क्या है 351। तो आप देखेंगे 35 इस तरीके से आपका कुछ आउटपुट मिलेगा। तो हमने क्या इनपुट दिया था 153, हमको प्रिंट होकर के मिला है 351। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली जो है आपका रिवर्स नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, भले ही टाइम ज्यादा लगे बेटा, लेकिन एक बार इस लेक्चर को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, इनकेस आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो मैं अब सिस्टम में प्रोग्राम लिखूंगा उसके बाद रन करूंगा। मैं प्रोग्राम को सिस्टम में अभी तुरंत लिख करके रन कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं सिस्टम में दोबारा से पूरा प्रोग्राम लिखूंगा तो प्रोग्राम और ज्यादा, ये जो पूरा लेक्चर हो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है, सेम प्रोग्राम को मैं सिस्टम पर लिख करके रन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है।
और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोग जस्ट इसके पहले जो अब इसके बाद जो है मेरा वो सिस्टम पर लिखा हुआ प्रोग्राम देखिएगा, तो आपको लेक्चर ये जो पूरा बनाया गया है जो कि रिवर्स नंबर के लिए बनाया गया है, ये श्योर है कि आपको देखने के बाद पूरी अच्छी तरीके से आपको रिवर्स नंबर को प्रिंट करने का प्रोग्राम आने वाला है। लॉजिक को एक एक लाइन को समझिएगा, पूरे ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा, तो मैं श्योर है, इतना तो मुझे विश्वास है कि आपको आएगा जरूर। तो थैंक यू। तो अब हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पर और मैंने एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम अपने डेल्सी प्लस प्लस कंपाइलर पर लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके समझाया था। अब हम देखेंगे कि जैसा कि हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था, हमारा लॉजिक एकदम